गेट के हम लोग गेट पे जा रहे हैं, भी नीचे है पानी सब भी आप इसके अंदर में जो बताओ और बस बढ़िया तुम बताओ। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आकांक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ट्रैवल व्लॉग। सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ के रेडी हो गए थे, हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, हमने फटाफट से कैब बुक करी और निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। गुड मॉर्निंग, मतलब एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, वो हमारी फ्लाइट है 7:40 की, तो साइकिल पढ़ के आप लोगों को पता लगेगी होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं अंदर आ गई हूँ अभी, ये लोग सिक्योरिटी चेक करने मेन गेट पर पहुँचे हैं, उसके बाद अभी हम लोग बोर्डिंग पास लेंगे और उसके बाद फिर अपनी फ्लाइट बुक करने के लिए गेट पर जाएंगे। कोई ना पहचान रहा तुम्हें, हाँ बेटा शुरू हो गई है सिलेंडर अभी जोन फ्री तुम्हारा है, मेरा वन है। So we are done with our boarding pass और अब हम लोग और वो हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, देन वहाँ से अपने गेट पर जाए। सिक्योरिटी चेक हो गया है, अब मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ, ये लोग पीछे अभी आ रहे हैं। 37 ये तो बहुत हो गया, हम लोग गेट के लिए हम लोग गेट पर जा रहे हैं, वहाँ से इनका बर्थडे है, तो इवेंचुअली तो ये सरप्राइज था, बट ज़्यादा दिन तक हम ये सरप्राइज रख नहीं पाए क्योंकि इनको अच्छे जाने की चिल रहती है, तो निकलवा ही लिया इन्होंने। एंड या दीदी भी अभी हमें कंपनी कर रहे हैं और टर्बुलेंस बहुत हो रहा है आज, मौसम भी थोड़ा ख़राब था, वहाँ जाके देखते कैसा रहेगा। दिल्ली में तो बारिश, अब ये देख के तो आपको पता लगेगी कि हम कहाँ हैं। वेलकम टू जन्नत कश्मीर। हमने ऑटो पर से कैसे ले रखी है कश्मीर पे, पकड़ लो उसको, टूट जाएगी किसी में, देख ना जब कुत्ता हुआ ना आ रहा था ट्रॉली को आ रहा है, वहीं ले जाओ, रानी गेट में मिलेंगे। हम लोग अभी कैब का वेट कर रहे हैं, ड्राइवर भैया को कॉल आया था कि वो भी चेक इन पॉइंट पे हैं और बस आने वाले हैं, तो हम यहाँ बैठे। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, मौसम बहुत अजीब हो रहा है, जिनकी वजह से हम यहाँ आए। और यहाँ हम लोग पहुँच गए अपने सबसे पहले स्टॉप मुगल गार्डन चश्मेशाही पे। एक्चुअली जो हमारा हाउसबोट का सेकंड टाइम था ना, वो 2 बजे का था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया पहले सारे साइट सीन कर लेते हैं, उसके बाद आराम से जाके शाम में हाउसबोट में रेस्ट करेंगे। ये लोग यहाँ पे टिकट ले रहे थे, टिकट का प्राइस अडल्ट के लिए वॉज 24 रुपीज़ एंड फॉर चाइल्ड इट वॉज 12 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। एंड यहाँ पे ऐसे छोटी मोटी शॉप्स थी जहाँ पे आपको
खाने पीने का थोड़ा बहुत छोटा मोटा चाय, नमकीन, बिस्किट और ऐसे शॉपिंग पर्पस से थोड़ा बहुत कश्मीरी बैग्स, पर्स और वो कीचेन वगैरह मिल रही थी। यहाँ पे ना मैंने बोल रही थी यार ब्लॉग के लिए ऐसे कुछ शूट कर लो, और इतने में क्या होता है, दिस गर्ल शी केम टू मी एंड मेरे को खींच के ले गई एकदम से, एंड आई वाज सो सरप्राइज एट फर्स्ट। फिर मेरे को समझ आया था ये इंस्टाग्राम के लिए अपने कुछ रील शूट कर रही है, एंड या इट फेल्ट रियली नाइस एक्चुअली। पता है मैं समझती थी कि कश्मीरी लोग काफ़ी शाय होते हैं, बट इन लोगों ने सही मज़े करा दिए वहाँ पे। अभी हम लोग उन बंदों से मिले हैं, दे आर वेरी डीप बहुत फिर उन्हें देख के इन तीनों को भी जोश आ गया रील बनाने का, और ये बस तीनों वही शुरू हो गए। करूँ स्टार्ट करूँ? तीनों ऐसे खड़े हो ना, तुम बीच में और तुम्हारे दोनों बंदे साइड में। चलो स्टार्ट करो। पहचाने यूट्यूब पर जाइए। फिर हम लोग पहुंचे अपने सेकंड स्टॉप जो कि था परी महल। अगर आप लोग श्रीनगर आ रहे हो तो परी महल प्लीज़ ज़रूर आए। यहाँ से जो आपको डल लेक का व्यू मिलता है, इट वाज ब्रेथ टेकिंग। और मौसम ने जो हमारा पूरा पूरा साथ दिया ना, इस मौसम की वजह से ये और खूबसूरत लग रहा था। मौसम हो रहा है कैड़ा बोलो। हाँ और बस बढ़िया, तुम बताओ। परी महल से निकल के हम लोग पहुंचे निशांत बाग। इट वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ डल लेक। एक्चुअली मैं ना पहले आ रखी हूँ, बट मैं जब आई थी तब मैं विंटर्स में आई थी, समर्स में पहली बार कश्मीर आ रही थी, एंड दैट टू फैमिली के साथ। प्लस ये एक बर्थडे ट्रिप था तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल इस टाइम कुछ और ही था। श्रीनगर में ऐसे कई सारे गार्डन्स हैं और हर गार्डन की ब्यूटी एक दूसरे से काफ़ी अलग है। और ऐसे ये जो कश्मीरी ड्रेस में फोटोज खिंचाने वाला ऑप्शन होता है ना, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। टिकट्स यहाँ सभी गार्डन्स की सेम ही है। नेक्स्ट हम लोग आ गए श्री शंकराचार्य जी मंदिर, जहाँ पे द लेजेंड राजेश खन्ना जी एंड मुमताज जी का फेमस सॉन्ग जय शिव शंकर की शूटिंग हुई थी। और ये कुछ अप्रॉक्स 240 स्टेयर्स थी मंदिर तक पहुँचने के लिए, और हमारी हालत इसे देख के खराब हो गई। शंकराचार्य बगरी मंदिर भी हमारे यहाँ ऐसा ही है। अच्छा, तो काफी अपना उत्तराखंड सा फील आ रहा है। As expected, दीदी की हालत खराब हो गई थी, उन्हें खींच खींच के रगड़ के हम ऊपर ले गए थे। फाइनली हमारे श्री शंकराचार्य टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं, तो अब हम आई थिंक शिकारा के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, हम शिकारा राइड के लिए जाएंगे। वहीं से हमारा चेक इन है हाउस बोट में, और धूप बहुत तेज हो रही है। कहाँ जा रहा? अब अकेले जा रही हो? बहुत तेज हो। मैं सबसे पहले जाऊंगी अब नीचे। ये लोग मुझे हमेशा सबसे पहले भी ये लोग हमेशा मुझे पीछे कर देते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले जा रही हूँ। सबसे लेट पहुँचेंगी। अब देखना मैं कैसे स्लिप मारती हूँ। सीधा नोएडा मिलेंगे फिर। पहाड़ों में मैंने ऑटो चलते हुए पहली बार देखे, और यहाँ इतने सारे ऑटो खड़े हैं। हम लोग आए हैं, क्या नाम था इसका, दिल्ली दी रसोई, लंच करने के लिए। हालांकि टाइम हो रहा है 3:30, हम लोगों ने लंच नहीं किया। हम लोग घूमने में कुछ ज़्यादा ही मगन हो गए थे, और अभी हम लोग लंच करेंगे, देन उसके बाद हम लोग जाके चेक इन करेंगे अपने हाउस बोट पे। फिर थोड़ा वहाँ से रेस्ट करके शाम को हम लोग शिकार राइड के लिए जाएंगे, देन डिनर, और अभी चलो लंच करने के बाद मिलते हैं, बाय। लंच करने के बाद हम लोगों को ड्राइवर पे मैंने यहाँ घाट नंबर 9 पे छोड़ दिया था। यहाँ से हमें अपने हाउस बोट पे जाना था शिकारा के थ्रू। तो यहाँ जितने भी रोड टू लेक में जो ट्रांसफ़र होता है, शिकारा के थ्रू ही होता है। पैसेंजर और लगेज दोनों इसी पे जाते हैं।
हमारा जो पैकेज था ना उसमें हमें 1 घंटे का शिकारा राइड कॉम्प्लीमेंट्री था, तो हमने सोचा यार पहले कर कुर के निपटा लेते हैं, उसके बाद सुबह से थक के चूर हो ही गए थे तो आराम से जाके फिर हाउस बोट में रेस्ट करेंगे। डल लेक अपनी फ्लोटिंग मार्केट के लिए बहुत फेमस है, तो जब आप ऐसे अपनी बोट राइड ले रहे होते हैं ना तो ये जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं जो अपनी शिकारा पे ही अपनी शॉप्स लेके आ जाते हैं, कोई ज्वेलरी बेच रहा होता है, कोई केसर बेच रहा होता है, कोई ऐसे बोलता है अपनी कश्मीरी ड्रेस में फोटो करवा लो, कोई फ्रूट चाट बेच रहा होता है, कोई कुछ, मतलब सब कुछ आपको यहीं पे ही आपके बोट पे ही मिल जाएगा। और ये था द फेमस मीना बाजार मार्केट ऑफ डल लेक। देन हम लोग पहुंचे अपने हाउस बोट पे, हमने चेक इन किया और उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी एक छोटा सा टूर दे देती हूँ हाउस बोट का। ये यहाँ का आउटडोर सिटिंग एरिया था, यहाँ पे हम लोगों ने शाम को बैठ के डल लेक का व्यू एंजॉय किया। अंदर आके ये था एक लिविंग रूम, काफी कम्फी, काफी कोजी सा फील था यहाँ पे, और ये सारा वॉलनट वुड की कार्विंग की हुई थी जो कि बहुत सुंदर लग रहा था आप सामने से देखेंगे तो। और ये अंदर आएंगे तो डाइनिंग रूम था एक, इनका डाइनिंग टेबल और चेयर्स लगी हुई थी। यहाँ राइट में आप जाएंगे तो एक लॉबी एरिया और पैसेज व्हाटएवर जो था दे रखा था इन्होंने, वहाँ से जाके दो रूम्स आते थे, दोनों रूम्स बिल्कुल सिमिलर थे, दोनों रूम्स में हर तरीके की अमेनिटीज थी जो एक होटल में होती है। एंड यहाँ पे दो बेड लगे हुए थे, ये सेम वुडन कार्विंग की हुई थी वॉलनट वुड से, कश्मीरी कढ़ाई के कर्टन्स थे, एक अटैच वॉशरूम था विद अ बाथटब, एवरीथिंग वॉज रियली गुड। नाउ हेयर कम्स एन एक्साइटिंग पार्ट, जो हमारे हाउसबोट के केयर टेकर थे ना, दे समहाउ केम टू नो कि इनका बर्थडे है, तो उन बेचारों ने अपनी तरफ से डेकोरेशन करके हमें एक रूम प्रोवाइड किया था। अब मैं डेकोरेशन आपको दिखाती हूँ कैसी थी। हमारे हाउसबोट से शंकराचार्य जी का टॉप व्यू दिख रहा था जो हम लोग सुबह गए थे जहाँ पे, और शाम को डल लेक की इतनी कामनेस, ये सब देख के इतना सुकून सा मिलता है। हम थोड़ी देर से बाहर ही बैठे रहे, पूरा व्यू एंजॉय कर रहे थे डल लेक का। शाम हो गई है और हमारी शाम की चाय आ गई है। इन लोगों ने हमारी इवनिंग टी के लिए इतना प्यारा सेटअप कर रखा ना, था दिखा जी। सुबह से हम थक के चूर हो गए हैं, पैर टूट गए हैं, और बस अभी चाय पी के हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अब हमारा डिनर आएगा 9 बजे, 9 बजे डिनर करके हम मस्त होके सो जाएंगे। सुबह 8 बजे का हमारा फिर कॉल है, उसके बाद हम निकलेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा डे 1 था, तो हमने पूरा श्रीनगर घूम लिया। एंड जो भी हो ये हाउस बोट का जो हमने स्टे लिया है, ये डिसीजन, दिस इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट डिसीजंस, क्योंकि पहले हम होटल स्टे लेने का सोच रहे थे, बट फिर हमने सोचा एक बार हाउस बोट एक्सपीरियंस करके देखते हैं, एंड वो बहुत अच्छा रहा। और आज बर्थडे ईव है, क्या सर आप हाउस बोट का एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा बोल रहे, हाउस बोट अच्छी है ना? नहीं, काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ सिर्फ 2 रूम्स है और पूरी हाउस बोट अपनी है। अभी हमें अपने लिविंग एरिया में बैठे हैं, ये पीछे अब देखोगे ये यहाँ डाइनिंग एरिया है, दिखाया था ना मैंने, डाइनिंग एरिया है, उसके पीछे फिर रूम्स बने हुए हैं 2। तो अपन जा रहे हैं यहाँ पे मस्त हो गए पैर रखे, और क्योंकि बर्थडे ईव है तो केक कटेगा, सबने बैठेगा ये सब केक कटने का इंतजार कर, ये बर्थडे बॉय है, इनका बर्थडे, ये हमें घुमाने लाए हैं अपने बर्थडे पे कश्मीर। पारा कब बजेंगी? 11:53 तो डिनर लग चुका है। क्या क्या है?
ये है खुशबू तो ठीक है रोटी इसमें दाल है खोल के दिखते हैं चलो लेट्स ईट पानी में ना अलग ही बात है बहुत अच्छा है नहीं बट रियली खाना बहुत बेहतरीन था सब कुछ बहुत अच्छा था हमें एक मिक्स वेज थोड़ा ऐसा लगा बट हमें मिला मिक्स वेज दाल राइस वो तो मैंने दिखा दिया था ना वीडियो में क्या क्या जो हमें मिला था सैलेड वगैरह सब था और सब कुछ बहुत ही बेहतर A1 इतना अच्छा था कि देखो मैं अभी तक खा रहा हूँ ये सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे लास्ट तक ही खाते हैं और नॉनवेज तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतना अच्छा दे देंगे बट इट वॉज रियली गुड एंड या दैट वॉज इट फॉर आर Day 1 इन श्रीनगर Day 2 पे हम लोग कहाँ गए थे ये आपको आगे पता चलेगा सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई अपकमिंग व्लॉग्स And if you like this video, please do like, share, comment down below and subscribe to my channel. See you in my next vlog. Bye!